हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहां पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का। एंड अलोंग विद दिस वी विल आल्सो डू द कीवर्ड्स विद डेफिनेशंस। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो स्टार्ट विथ अवर कीवर्ड्स। सबसे पहले केमिकल चेंज। द डेफिनेशन इज द टाइप्स ऑफ चेंजेस इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंसेस आर चेंज्ड एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दीज टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ एनी थिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। सेकेंड इज, वॉट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एनी टाइप ऑफ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ अ पेपर भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही है पेपर के साथ। नेक्स्ट कीवर्ड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर इम्प्योर सॉल्यूशंस। तो जैसे हमारे चैप्टर में हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन किया था अलॉन्ग विद एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट कीवर्ड इज व्हाट इज गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन मेटल। दिस प्रोसेस इज डन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है फिजिकल चेंज। क्या होता है? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, द शेप, साइज, स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस, दीज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज वॉट इज रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स जंग लगना, अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज। रस्टिंग इज वेन अ पीस ऑफ आयरन मेटल इज लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर फॉर सम टाइम, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश कलर सब्सटेंस। दिस ब्राउनिश कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। After that, we will straight away go to our exercise questions. Let us read question number 1. नीचे हमारे पास बहुत सारे changes दिए हुए हैं. We have to classify these changes in physical or chemical changes. Number 1 is photosynthesis. Photosynthesis is a chemical change. Photosynthesis के process में carbon dioxide और water, sunlight और chlorophyll के presence में react करते हैं और glucose बनाते हैं. यहाँ पे एक new substance form हो रहा है, इसीलिए एक chemical change है. नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जब हम पानी में शुगर को डिजॉल्व करते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, लेकिन पानी पानी ही रहता है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल। किसी भी सामान का बर्निंग हमेशा वो केमिकल चेंज ही होगा, क्योंकि बर्न करेंगे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है एवरी टाइम। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। जब वैक्स मेल्ट होता है तो वो चेंज होके कोई न्यू सब्सटेंस नहीं होता, मेल्टेड जो सामान होता है वो भी वैक्स ही होता है, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम इज अ टाइप ऑफ मेटल, और मेटल्स का एक खासियत ये है कि उसे हम अगर बीट करेंगे, हैमर से कंटिन्यूसली बीट करते जाएंगे इन फैक्ट्रीज ऑफ कोर्स, तो वो एक थिन शीट में बदल जाता है, लेकिन उससे कोई न्यू सामान नहीं बनता, वो एल्यूमिनियम ही रहता है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। एंड द लास्ट वन इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है, बिकॉज फूड में मौजूद जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो चेंज होके न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव टू स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट। नंबर 1 इज कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इंटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। नो, दिस इज फॉल्स, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को कट कर रहे हैं तो न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो फिजिकल चेंज ही रह रहा है। सो केमिकल की जगह हम यहाँ पे फिजिकल चेंज लिखेंगे। नेक्स्ट 1 इज फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज। अगेन इट इज़ फॉल्स, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, देखो स्टार्टिंग लीव से कर रहे हैं और वो चेंज होके मैन्योर बन रहा है, दिस इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्मिंग, और जब भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज होता है, इट इज़ नॉट फिजिकल चेंज। सो करेक्टेड सेंटेंसेस, इट इज़ अ केमिकल चेंज।
Next is iron pipes coated with zinc metal do not get rusted easily. Yes, this is true. जब भी हम iron की चीज़ों पे zinc का एक layer चढ़ाते हैं उसे galvanization बोलते हैं और इससे rusting prevent होती है. Next is iron and rust are the same substance. No, this is false. आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, इट इज़ अ प्योर मेटल, और रस्ट का फॉर्मूला होता है FeO, यानी कि आयरन ऑक्साइड. दिस इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जब भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है वो एक केमिकल चेंज होता है, और ये बिल्कुल भी सेम चीज़ नहीं है, दे आर डिफरेंट सब्सटेंस. और लास्ट वाला है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज. हाँ सही बात है, दिस इज ट्रू, क्योंकि स्टीम पानी का बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर इन द गैस फॉर्म, और इसे हम कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड वाटर बन जाएगा, है तो वाटर ही, इसीलिए कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 3. नंबर ए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर दैट इज क्विक लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉट. लाइम वाटर में जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था हमारे चैप्टर में ही, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3. इसी चीज़ का कलर मिल्की होता है, और इसीलिए हमें टेस्ट ट्यूब में भी मिल्की सामान दिखाई देता है. वी कैन राइट कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज वॉट. इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. उसके बाद वाला पढ़ते हैं टू मेथड्स बाई विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर. सबसे पहले तो पेंटिंग, जो हम हमेशा अपने घर के आसपास ही देखते हैं, हमारे लोहे के ग्रिल्स को, गेट को हम पेंट करते हैं. और दूसरा मेथड गैल्वनाइजेशन. नेक्स्ट इज चेंजेस इन विच ओनली डैश प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंजेस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होते हैं. नेक्स्ट इज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड दे आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस तो हमें कुछ बबल्स नजर आएंगे. ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, हमने बेकिंग सोडा के साथ विनेगर ऐड किया था, विनेगर भी एसिडिक था, यहाँ पे विनेगर की जगह पे हम लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, वो भी एसिडिक ही है. तो इन दोनों के मिक्स होने से हमें कुछ बबल्स नजर आएंगे, और वो क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो पानी के अंदर से निकलता है, तो बुदबुद बुदबुद करके बबल्स जैसा हमें दिखाई देता है. बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. What type of change is this? Start हम कर रहे हैं बेकिंग सोडा और लेमन जूस के साथ, और फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. This only shows that this is a chemical change. We get carbon dioxide gas and other substances. So since in this reaction new substances are formed, therefore it is a chemical change here. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes and give another example of a familiar process in which both chemical and physical changes take place. तो सबसे पहले कैंडल के प्रोसेस को समझते हैं. दैट इज़ कैंडल के मेल्ट होने का प्रोसेस. जब हम कैंडल को जलाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसके गर्मी की वजह से कैंडल मेल्ट होता है और नीचे नीचे हमें गिरता हुआ नज़र आता है. ऊपर सबसे पहले हमने कैंडल वैक्स से ही शुरू किया था, और ये जो मेल्टेड सामान है वो भी वैक्स ही है. तो एक तरफ से हम ये बोल सकते हैं कि कैंडल का मेल्ट होना एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ साइज चेंज हो रहा है. दैट इज़ वाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज. लेकिन इसके साथ साथ कैंडल यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्न भी हो रहा है, क्योंकि हमने आग जला के रखा हुआ है, और इस आग में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, हीट मिल रहा है, और इसी के साथ साथ जो चीज़ दिखाई नहीं देता वो है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन. कैंडल एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को लेता है, बर्न होता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट एनर्जी देता है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज ऑल्सो. सो दैट इज़ वाई बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ तक कर लिया. अब सेकेंड पार्ट ये है कि हमें एक और एग्जाम्पल देना है एक फैमिलियर प्रोसेस में, जो हमारे घर के आसपास ही होता है, जिसमें दोनों केमिकल और फिजिकल चेंजेस शामिल हों. सो दैट
familiar example around us is the burning of LPG gas in our kitchen. LPG का full form है liquefied petroleum gas, जो इस type के cylinder में होता है. Now this is a fuel which we use in our kitchen to burn. ये जलता है और इसके ऊपर हम खाना पकाते हैं. लेकिन ये जो गैस होता है इसको बहुत सारा हाई प्रेशर से लिक्विफाई किया जाता है, मतलब लिक्विड के रूप में इस सिलेंडर के अंदर भरा जाता है. आपने तीन स्टेट्स पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. हम इन तीनों स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर से. उसी तरीके से इस पेट्रोलियम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इस सिलेंडर में भरा जाता है. यही लिक्विड वापस गैस में कन्वर्ट होता है और फिर वो गैस हम जलाते हैं और फिर उसके ऊपर खाना पकता है. तो लिक्विड का गैस में दोबारा कन्वर्ट होना एक फिजिकल प्रोसेस है, स्टेट चेंज हो रहा है. सो लेट अस राइट, व्हेन दिस लिक्विड LPG कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर, इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज. और गैस बाहर आके जल रहा है, बर्न हो रहा है, और बर्निंग एक केमिकल चेंज है. व्हेन दिस गैस बर्न्स, इट गिव्स आउट हीट एंड लाइट एनर्जी. दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज. कर्ड हमारे सबके घर में बनता है और ये कैसे बनता है? दूध में हम थोड़ा सा दही मिक्स कर देंगे, रात भर उसे छोड़ देंगे वार्म टेम्परेचर पे, तो वो कर्ड बन जाता है. अब कर्ड से हम दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और कर्ड एक न्यू चीज़ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे मिल्क से. तो इसीलिए द चेंज of milk into curd is a chemical change. We cannot get back the substance in its original state. दूसरा point, a new substance is formed as a product. और जब हम curd बना रहे होते हैं, curd को हम दोबारा milk में reverse नहीं कर सकते. एक new substance form हो रहा है with different taste and smell and other properties. Hence, we can say that setting of curd is a chemical change. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग ऑफ वुड इनटू स्मॉलर पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस. तो सबसे पहले हम बर्निंग ऑफ वुड देखते हैं. जब हम वुड को जला रहे होते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऐश मिलता है, यानी कि वुड से ऐश बन रहा है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज. दैट इज वुड प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कोल, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. लेकिन जब हम वुड को स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हैं तो वुड वुड ही रह रहा है. बिकॉज बाई कटिंग वी आर ओनली रिड्यूसिंग द साइज एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. दैट इज वाई कटिंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें डिस्क्राइब करना है हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. तो ये एक्टिविटी हमने हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ही किया था. वी कैन प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाई फॉलोइंग प्रोसेस. स्टेप नंबर 1, वी हैव टू टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वी हैव टू ऐड इन इट. स्टेप नंबर 2, वी हैव टू हीट द बीकर एंड व्हेन इट स्टार्ट्स टू बॉयल, हमें स्लोली स्लोली कॉपर सल्फेट के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और स्टर करता जाना है, मिक्स करते जाना है. पॉइंट नंबर 3, वी हैव टू कीप ऑन एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी कि हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का. इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़े और टाइम के लिए बॉयल करना है, उसे फिर ऑफ कर देना है और फिर इसे फिल्टर करना है. वी हैव टू फिल्टर द वॉर्म सॉल्यूशन. इससे जितने भी इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ होंगे, जैसे कंकड़, पत्थर, डस्ट, वो सब फिल्टर पेपर पे बाहर निकल के आ जाएंगे. देन वी हैव टू स्लोली कूल द फिल्ट्रेट एंड देन फाइनली पॉइंट नंबर 5, क्रिस्टलाइजेशन विल बिगिन एंड आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर सीन एट द बॉटम. नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग रिक्वायर्स एक्सपोजर टू बोथ एयर एंड वाटर, दैट इज ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही आयरन रस्ट होता है. लेकिन जब हम आयरन के ऊपर एक पेंट लगा देते हैं, उसके ऊपर पेंट का एक लेयर जम जाता है, तो पेंटिंग बचा लेता है, प्रिवेंट्स द सरफेस ऑफ द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, और इसी से रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स आर फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट एरिया.
समुंदर का पानी खारा होता है, सॉल्टी होता है और डेजर्ट में कोई पानी ही नहीं है। और आयरन में रस्टिंग के लिए एक तो मॉइस्चर चाहिए और अगर वो मॉइस्चर सॉल्टी हो तो रस्टिंग फास्ट हो जाती है। So let us write the answer. Point number one. Rusting of iron takes place when iron comes in contact with air, that is oxygen, and water, that is moisture. Point number two. In coastal areas, air contains more moisture and sea water contains many dissolved salt in it. तो air में जो moisture होता है उस moisture में dissolved salts भी होते हैं और इन्हीं salt के presence की वजह से it makes the process of rusting very fast. And then point number three, in desert the air is very dry. क्योंकि एक तो यहाँ पे पानी ही कम है तो air में भी moisture की मात्रा बहुत कम होती है, that is moisture is less in air. That is why rust formation is very slow. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो गैस के बर्निंग के ऊपर देखा था, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बोथ, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। द गैस विच वी यूज इन आवर किचन इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर्म। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम्स अ गैस, दैट इज चेंज ए। उसके बाद इट बर्न्स, दैट इज चेंज बी। नाउ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे दो चेंज हो रहे हैं और वो क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जब लिक्विड से गैस बन रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो वो एक फिजिकल चेंज है, और जब बर्न हो रहा है, हर तरह का बर्निंग एक केमिकल चेंज होता है, तो बी इज अ केमिकल चेंज। नाउ लेट अस मैच। नंबर इज प्रोसेस ए इज अ केमिकल चेंज, नो दिस इज फॉल्स। प्रोसेस बी is a chemical change, yes this is true. Number 3, both process A and B are chemical change, no, kyunki A to physical change nikla. 4th is none of the following process is a chemical change, no, because number B chemical change hai. To hamara correct answer is number 2. Uske baad padhte hai question number 12. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Sabse pehle anaerobic bacteria dekhte hain। बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये बैक्टीरिया दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरे होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या कर सकते हैं, ये जो एनिमल वेस्ट होते हैं लाइक द काउ डंग, उनके ऊपर वो रिएक्ट करते हैं और बायोगैस बना सकते हैं। दैट इज़ अ काइंड ऑफ चेंज दे कैन डू। इसी बायोगैस को जला के एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं इंसान, टू बर्न प्रोड्यूस हीट, और उस हीट से खाना पकाया जा सकता है। सो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। एनएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। सबसे पहले वेस्ट चेंज होके एक तरीके का गैस बना रहा है, इट इज़ चेंज ए। Then the biogas is burnt as a fuel. Burning is a type of change, that is change B. Now we have to see which statement which is written below here are correct. तो क्योंकि चेंज ए में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, वेस्ट से बायोगैस बन रहा है, न्यू सब्सटेंस जब भी फॉर्म होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। सो प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज, येस दिस इज़ ट्रू। बी में बर्न हो रहा है, जब भी कोई बर्न होता है वो हमेशा केमिकल चेंज होता है, सो चेंज बी इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, सो नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर 3 बोल रहे हैं बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज, येस दिस इज ट्रू। एंड 4th इज नन ऑफ द प्रोसेसेस आर केमिकल चेंज, नो दिस इज फॉल्स। तो हम करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 लिखेंगे। इसके बाद जल्दी से हम एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट समझ लेते हैं। नंबर 1 इज डिस्क्राइब 2 चेंजेस दैट आर हार्मफुल फॉर अस एंड एक्सप्लेन व्हाई यू कंसिडर देम एज हार्मफुल, और उसके बाद उन्हें हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले दो ऐसे चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, दैट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज हार्मफुल। क्योंकि अगर फूड स्पॉइल हो जाता है तो दो हार्म होता है, एक तो फूड वेस्टेज जो गलत बात है, और दूसरा अगर उस फॉल फूड को हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, सो इट इज़ हार्मफुल फॉर अस। रस्टिंग इज ऑफ आयरन इज ऑल्सो हार्मफुल बिकॉज इससे आयरन वीक हो जाता है, एवरी ईयर उसके रिपेयरिंग में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है, इट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस। तो इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं,
खाने को स्पॉयल होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रखते हैं ना, सो बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फूड स्पूड के स्पॉयलिंग होने का स्पीड थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। और आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हम उसे ऑयलिंग या फिर पेंट कर सकते हैं। नंबर टू, टेक 3 ग्लास बॉटल्स विथ वाइड माउथ, लेबल देम एस ए बी सी, फिल हाफ ऑफ द बॉटल ए विथ ऑर्डिनरी टैप वाटर। बॉटल नंबर बी में हमें कुछ बॉइल्ड वाटर कूल होने के बाद डालना है और बॉटल सी में हमें सेम बॉइल्ड वाटर लेना है लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालना है। अब इन तीनों में हमें आयरन नेल्स डालना है। कुछ दिनों के लिए बॉटल्स को दूर कोने में रख देना है और फिर देखना है कि इन नेल्स के ऊपर क्या रस्टिंग हुई है। वी विल सी दैट जो आयरन नेल बॉटल ए में है सिर्फ उसी में रस्ट होगा, जो बॉटल बी में था वो उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा, लेकिन जो बॉटल सी में नेल था वो एकदम शुरू के जैसा चमकदार रहेगा, उसमें कोई भी रस्ट नहीं लगेगा। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट बॉटल नंबर ए में जो वाटर है उसके साथ डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट है, बी में जो वाटर हमने बॉयल किया था बॉयलिंग की वजह से बहुत सारे मिनरल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन सी में इस ऑयल की वजह से बिल्कुल भी एयर नेल के कॉन्टैक्ट में नहीं जा पाए, इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम यानी कि फिटकरी, जो दिखने में कुछ ऐसा होता है, और घर में ही इसका अगर हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो इसका क्रिस्टल बहुत ही चमकदार कुछ इस तरीके का निकलेगा। एंड द लास्ट वन इज कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच आर यूज फॉर कुकिंग इन योर एरिया। तो बहुत सारे लोगों ने विलेजेस में देखा होगा इस तरीके का चूल्हा जलाया जाता है जहाँ पे वुड यानी कि लकड़ियों को बर्न किया जाता है खाना पकाने के लिए। सो वुड इज अ टाइप ऑफ फ्यूल। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तंदूर देखा होगा जिसमें कोयला जलाया जाता है, दैट इज कोल। कोल इज ऑल्सो अगेन वन टाइप ऑफ फ्यूल, अ सॉलिड फ्यूल। विलेजेस में इस तरीके के काउडंग केक्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि गाय के गोबर को सुखा के उन्हें जला के एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फ्यूल। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने स्टोव देखा होगा, स्टोव में यहाँ पे केरोसिन ऑयल डाला जाता है एंड केरोसिन इज अ टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल। और हम सभी के घरों में मोस्टली आजकल एलपीजी होता है। एलपीजी इज अ टाइप ऑफ गैस विच इज लिक्विफाइड एंड पुट इन दिस सिलेंडर, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ गैशियस फ्यूल विच वी यूज इन आवर होम। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट वेरी सून विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।